अस्सलामुअलैकुम, एमरा न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से मैं हूं अतिया जलाल। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बारिश के दौरान हंगामी बुनियादों पर इकदाम। बारिश के पानी की आसानी निकासी को यकीनी बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम और म्यूनसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन ने बारिश के दौरान तमाम जोन का दौरा किया। मजीद तफसीलात जवाहर हुसैन शेख की इस रिपोर्ट में। जिला बस्ती में बारिश के दौरान हंगामी बुनियादों पर खिदमात जारी। तमाम रूज से बारिश के पानी की बासानी निकासी का वो यकीनी बनाया गया। चोकिंग पॉइंट्स और नशीबी इलाकों में बल्दियाती अफसरान की खसूसी तैनाती। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम ने बारिश के दौरान तमाम रूज का दौरा किया। मोरखा 6 जुलाई कराची डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर किए गए कबुल एहतियाती इंतजाम के सबब जिला बस्ती से बारिश के पानी की निकासी में किसी किस्म की दुश्वारी पैदा न हो सकी। इंतजामिया और बल्दियाती एहलकार और अफसरान बारिश के दौरान भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। सैनिटेशन बागात DNR और रेस्क्यू डिपार्टमेंट का अमला तनदेही से अपनी अपनी खिदमात में मसरूफ रहा, जबकि खुद डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताह सलीम, म्यूनसिपल कमिश्नर जायद हुसैन रिंद के हमरा बारिश के दौरान जिला बस्ती के मुख्तलिफ रूज का दौरा करते रहे, ताकि अमले की कारकर्दगी में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर मौजूद राज्य अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा, बारिश जिला बस्ती के आवाम के लिए रहमत बनी रहेगी, क्योंकि बल्दियाती इदारों और इंतजामिया का असल काम आवाम को अमन सुकून से भरपूर माशरती और शहरी जिंदगी का माहौल मुहैया करना है, और हम इसके लिए पूरी तंदी और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कैमरामैन कमाल के साथ जवाहर हुसैन शेख, एमरा न्यूज कराची। पाक पतन पुलिस ने सैकड़ों वारदातों में मुलविस 48 रकेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से मुतादिद मवेशी, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन समेत बड़ी तादाद में माल मसरूका बरामद किया गया। मजीद देखते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। पाक पतन पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। पंजाब भर की शाहराओं को डाकू नाके लगाकर गैर महफूज बनाने वाले 10 रकेत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्ला खान कहते हैं, मुलजमान से 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। पाक पतन पुलिस ने शबाना रोज मेहनत करके सैकड़ों वारदात में मुलविस गैंग्स को पिछले 2-3 हफ्तों में गिरफ्तार कर लिया है। उनसे माल मसरूका की बरामदगियाँ भी जारी हैं। पतन में जो एक लहर आई थी क्राइम की, वो लहर टूट गई है। गिरफ्तार डकैत गैंग से मुतअद्दिद मवेशी, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और असलाह की भारी खेप बरामद की गई। 11 मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं और लाखों मालियत के कैश बरामद किया है और नाजायज असलाह बरामद करके मुदय्यान के हवाले किया जा रहा है। 4 रुकनी गैंग है, इमरान उर्फ इमरानी, इसको हमने गिरफ्तार किया है और इनसे नकदी रकम, छीने गए मोबाइल, वेपन्स और छीने गए मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार गैंग्स अरकीन की तादाद 48 है। तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। थाना हेडमराला के इलाका में दिन दहाड़े डकैती की वारदात करने वाले डकैतों को दुकानदार ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए पकड़ लिया। थाना हेडमराला के इलाका मौजा गोंदल में 3 डकैतों की दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर पर डकैती की कोशिश। एक डकैत को मेडिकल स्टोर के मालिक राना मोहम्मद आजम ने काबू कर लिया। 2 डकैत फरार, 1 पकड़ा गया, डकैत पुलिस के हवाले कर दिया गया। CCTV फुटेज वसूल हो गयी। अहले इलाका ने बहादुरी पर राना आजम को खराज तहसीन पेश किया। साबका MLA का हबीबाबाद का दौरा। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार चोचक रोड की तामीर के आगाज का इफ्तिताह कर दिया। हबीबाबाद इस मौके पर शानदार तकरीब का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद हयात खान, चौधरी महमूद अनवर, सेठ आबिद अजीज, मनी सुहेल मुख्तार सना समेत कसी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर राना मोहम्मद हयात खान ने वाजिया हिदायत जारी की के रोड को अच्छा और मियारी बनाया जाए
और जल्द से जल्द रोड मुकम्मल किया जाए। इनका मजीद कहना था कि हबीब अब्बास से मुझे मोहब्बत है, जिसका इजहार हमेशा खिदमत करके करता हूँ। उसके बाद रूरल हेल्थ सेंटर हबीब अब्बास का भी विजिट किया, जहाँ अस्पताल में वाजिया तब्दीली और डॉक्टर्स की मेहनत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। राना मोहम्मद हयात का कहना था, नौजवान डॉक्टर्स हमारा असासा हैं, अस्पताल में मजीद बेहतरी और अद्वियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई।